हेलो गाइस, वेलकम टू जिया का जायका। और आज हम बनाएंगे खीर पूरी। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे हमने चावल लिया है और इसे पानी में आधे घंटे भिगो लेंगे। यहाँ पे हमने 2 लीटर दूध लिया है, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, इन सारे ड्राई फ्रूट्स को एक बाउल में डालेंगे। गुनगुना पानी डाल देंगे और आधे घंटे हम पानी में ही ड्राई फ्रूट्स को रहने देंगे। अब चावल को ग्राइंडर में डाल के दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, हमने दरदरा पीस लिया है। दो लीटर दूध को हमने रिड्यूस करके 1.5 लीटर कर लिया है। अब इसमें दरदरा पीसा हुआ चावल डाल देंगे। अब इसे अच्छे से चला लेंगे और ढक देंगे। अब इसे फिर से चला लेंगे। ये देखिए, अब इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। और इसे भी चला लेंगे। अब इसे फिर से ढक देंगे। हमने बादाम को छील लिया है। अब सारे ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंडर में डालेंगे और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। अब डालेंगे कंडेंस मिल्क। और इसे भी मिला लेंगे। अब डाल देंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट। ये देखिए, अब डालेंगे केवरा वाटर। और अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हमारी खीर की कंसिस्टेंसी। अब डालेंगे इसमें चीनी और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिलाएंगे तब तक चीनी घुल ना जाए। चीनी घुलने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए खीर की कंसिस्टेंसी। यहाँ पे हमारा खीर रेडी है। अब एक बोल लेंगे और इसमें डालेंगे मैदा।
और हल्के गुनगुने पानी से डो तैयार करेंगे। ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। अब इसे ढक देंगे और 20 मिनट साइड पर रख देंगे। ये देखिए 20 मिनट बाद ये देखिए हमारा मैदा कितना सॉफ्ट है। अब डो के छोटे छोटे लोई तैयार करेंगे। ये देखिए इसी तरीके से सारे लोई तैयार कर लेंगे। कढ़ाई में डालेंगे रिफाइंड ऑयल। पूरियों को बेल लेंगे। हमने मैदे से पूरी को डस्ट किया है, आप चाहे तो ऑयल से कर सकते हैं। इसी तरीके से सारे पूरियों को बेल लेंगे। ये देखिए हमने सारे पूरियों को बेल लिया है। अब पूरी को तेल में डाल देंगे। हमें पूरी को तेल में ज्यादा देर नहीं रखना है, हमें एकदम लाइट फ्राई करना है। अब इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारे पूरियों को फ्राई करेंगे। सारे पूरियों को फ्राई कर लिया है। हमारा गर्मा गर्म खीर पूरी तैयार है। गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक तो बनता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।